थोड़ा भीड़ कम कर दो आपसे मैं सब बताऊंगा बाहर लाके सब है ना। आप लोग थोड़ा सा बस शांति रखो क्योंकि हमारा ध्यान भटक गया ना हम काम नहीं कर पाते हैं। राइट तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सामना हुआ है वो है कोबरा सांप से और आप देख सकते हैं काफी गुस्से में होते हैं। ब्लैक कोबरा सांप काफी खतरनाक होता है। तो दोस्तों ऐसे कहा जाता है ब्लैक कोबरा सांप और काफ़ी विषैला काफ़ी खतरनाक सांप है। इसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है, हाईली वेनमस स्नेक है आप देख सकते हैं। और इसकी फुफकार सुन सकते हैं। ये सांप जो है अपना फन फैलाकर हमें डराने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि हमसे दूर रहो। तो दोस्तों आज हम आए हैं ग्राम निपानिया और रघुनाथ जी का हमें कॉल आया था और इनके घर में सांप था। देखा आपने इस कोबरा सांप को हमने कैसे रेस्क्यू किया। दोस्तों इसको जल्दी से जल्दी हम वापस जो है प्रकृति मुक्त करेंगे। सांप कैसा भी हो हमें उसे मारना नहीं है, बस इसी तरह से नज़र बना के रखें। और एक विशेष बात, जब भी आपको सांप दिखता है तो वहाँ पर इतनी भीड़ या शोर ना करें क्योंकि सांप जो है अपना मूवमेंट कर देते हैं। आपको हम हर वीडियो में हर जगह हर बात यही बात बताते हैं कि सांपों को देखने के बाद शोर और ज़्यादा भीड़ ना करें जिससे सांप जो होता है अपना मूवमेंट कर लेता है और जगह बदल लेता है। तो दोस्तों सिर्फ एक नज़र बना के रखनी है, एक दूरी बना के रखनी है। इस सांप में जो है न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है, काफ़ी खतरनाक सांप है। लेकिन अगर ये सांप बाइट करता है या आपको सर्पदंश होता है तो तुरंत सरकारी अस्पताल में जाकर एंटी स्नेक वेनम लेना है और बिल्कुल किसी तंत्र मंत्र या पूजा के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये सब काम आप बाद में भी कर सकते हैं, सबसे पहले जाके सरकारी अस्पताल में एंटी स्नेक वेनम लेना है।